देशभक्त जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के सदर थाना के बिल्कुल बाहर। तिरंगे का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। साथियों, यह बात सत्य साबित की है माधो सिंगाना गांव के रजाक खान ने। साथियों, मैं आपको बता दूं, ये अपने मोटरसाइकिल पर तिरंगे झंडे को लगाकर जा रहे थे, लेकिन बाहर से आई जमात ने तिरंगा झंडा है वो फाड़ दिया और कहा कि तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। और इसके बाद में जो रजाक खान है वो थाने में आते हैं और कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं कि तिरंगा झंडा मेरे देश की आन बान शान है। मैं रजाक खान को सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ कि आप जैसे जवाब की वजह से हमारा देश आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठे हैं। मैं आपको सलूट करता हूं, सलाम करता हूं, नमस्कार, आपका स्वागत है जी। ठीक है, क्या पूरी कहानी क्या है जी, बताएं। कहानी है जी, भी मान लियो जमात का साथी आया और पहले तो ठमिया बैठे अपने के नाम है सब्जी वाला कहना, फिर भी बाद में बाइक लेके कहे आप कपड़ा सीमा बैठे चला मुँह चला टेलर कहने कोई बात को नहीं। और फिर बाद में टेलर के नेप नूप दे दियो, फिर भी बाद में कहने लगे हो क्या वो झंडो लगा रखी है क्या वो तने के जन्नत में लेके जाओगे। फिर मैं तो कोनी गोरपुरी में चलो यही कह दियो होगो कोई बात नहीं। फिर भी बाद में बैठूँ तो चालन लगे ना तो कहने लगे हो क्या बाइक मैं चला ली हूँ चला लियो बा कोई बात को नहीं बाइक की। तो फिर बाइक पर चलान लगे ना मैं तीनों साथी अगत वो बैठ गयो ड्राइवर बन गयो मैं लहरे लहरे बैठी हो तो चला गए थोड़ी दूर चलती और झंडो जी को ना वो पाट गए अरीली साइड में फेंक दियो। फिर मैं अभी कहे थे झंडो ना पाट दियो और झंडो पाटा वो नहीं होते झंडो ना पाट दियो पाट दियो। फिर बाद में मैं चले गए अब सब्जी वाले कहना वापसी बैठे फिर 3 किलो अमरूद लिया लेने के बाद में फिर मस्जिद में बंद छोड़ गया। फिर मैं घर आ गया, मेरा टेंशन होगी मैं घर आ गया सो गयो। फिर मैं नमाज भी कौन पढ़ी मंदिर में चैन कौन हो। फिर भी बाद का वहाँ 4-4:30 बजे आ गए अफरा तफरी मच गई। तो फिर मैंने इमाम साहब भी बुलाए होकर थे 8,000 जाके वो के बात है। तो फिर मैंने बेरो तो पड़ गया कोई चक्कर तो हो रही है जल्दी बे बुलावा है तो भी जा रहे हैं। बाद में कहने लगे वो झंडो तो नहीं कर रहा कि वापसी लगा ले। मैं कहो मैं तने बेरो को नहीं हो तिरंगो को झंडो आएंगे हाथ ना लगा जलाओगा तो जल के राख हो जाएगा थाने बेरो ही को नहीं तिरंगा झंडा वो मकसद क्या है क्यों है वो हैं। तो फिर बाद का वहाँ कह भी झंडो लगा ले। फिर मैं कहूँ तो झंडो और पड़े हो मैं तो लगा रखी है कोई दिक्कत को नहीं लगा लियो पर मांगी बा बहुत मोटी गलती है। फिर वहाँ मैं कहूँ माफ़ी मुफ़ी भी मांगी फिर माफ़ी हुई है के काम चला है तो फिर आगे मान लो और भी कर सका है इसे पंगा तो इनके लिए भी इन्हें नहीं मान लो कि सजा ने देनी जरूरी है भी राष्ट्रीय झंडो है हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान रहना लाग रहे अपने के तकलीफ है बताओ राष्ट्रीय झंडा को अपमान करियो है हैं। तो आप सबसे मोटी बाई गलती है हैं। तो आप देख लो जी यह बात है मेरी नहीं। अब शासन प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहते हो? मैं शासन प्रशासन से आज यही मांग करना चाहता हूँ भी इनकी ना जो भी सरकार है इनको सख्त से सख्त कार्रवाई इनके ऊपर होए मजिस्ट्रेट है जो भी है इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। बजरंग दल से हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र पुनिया जी। हाँ जी, क्या कहना चाहते हो जी? मैं सबसे पहले रजाक मोहम्मद को सैल्यूट करता हूँ। बहुत सालों बाद मैंने बीच में नहीं बोलना सुना है बड़ा बदनसीब है जफर जिसे 2 गज जमीन नहीं मिली। आज मुझे दूसरा जफर है मेरे गाँव माधो सिंगाना में देखने को मिला है। रजाक मोहम्मद हम आपको सलाम करते हैं। हमें अशफाक उल्लाह खान बहादुर शाह जफर जैसे रजाक के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं। सारा गांव आपको हम सम्मानित करेंगे। सारा सिरसा हरियाणा पूरा देश आपके साथ है रजाक। और 14 अगस्त को गांव माधो सिंगाना में हम आपको सम्मानित करने का कार्य करेंगे कि आपके अंदर जो राष्ट्र भक्ति है ये कोई देश धर्म नहीं ये अपने DNA में होती है। उसको आपने साबित कर दिया कि आपके पूर्वजों को ये धरती अच्छी लगी तब आप इस गाँव माधो सिंगाना में भारतवर्ष में रहे थे। और वो जो गद्दार जो तिरंगा फाड़ते हैं उनको कह देता हूँ मैं कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सभ्य तरीके से इसको सैल्यूट करना सीखो नहीं तो बजरंग दल है ना तुम्हें सिखा देगा सैल्यूट करना। तिरंगे का राष्ट्र भक्ति है जो जगानी की हमें आवश्यकता ना पड़े। नहीं जो बाहर से आए थे वो इनको कह रहे थे भी इनके दिमाग में फर्क है और कुछ अलग अलग बातें कह रहे थे। ऐसा है जी ये तो फिरका प्रस्त लोग हैं जो आम मुस्लिम भाई है ना जो गरीब लोग तबके लोग इनको बरगलाने का काम करते हैं ये हमारे बीच में रहते हैं। आज तक ऐसी कोई बात नहीं हुई और ये है ना 5 टाइम के नमाजी हैं पूरी नमाजी और जकाती पूरी इस्लाम को मानने वाले नबी की पूरी जो इबादत है वो सारी करते हैं। और जो कहने वाले लोग हैं ना उनको कहो भी आप 5 टाइम के नमाजी हो गया। और जो लोग ऐसी घटना ऐसी हरकत करके गए हैं ना उन पर राष्ट्रद्रोह का केस होना चाहिए। उनकी जमानत जो गाँव में जमानत करवाने भी कोई जाएगा ना उसके खिलाफ भी बजरंग दल खड़ा होगा। बाहर से मैं आपको बता दूं बाहर से दिल्ली से नमाजी आए थे उन्होंने रजाक मोहम्मद के साथ
बदसलूकी की और तिरंगे झंडे का अपमान किया। उसके बाद में रजाक मोहम्मद ने देशभक्ति का परिचय देते हुए, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ पूरी कौम के साथ अलग हटकर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ देश के साथ खड़े हैं साथियों। मैं इनके हौसले और जज्बे को सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, हम इनके साथ तन मन और धन के से खड़े हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ और इनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ पूरा हिंदुस्तान है। हाँ जी, क्या कहना चाहते हो जी? मैं सतबीर बेनीवाल जी गाँव माधो सिंघाणा। सबसे पहले तो मैं रजाक मोहम्मद के जज्बे को, तिरंगे के प्रति और देश के प्रति जो इनका जज्बा है, उसको सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। ये जो सच्ची देशभक्ति है तिरंगे के प्रति जो है, वो इन्होंने साबित की है। आज जो प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे 13 से 15 के दौरान जो तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान है, उसको सही साबित किया है इन्होंने। और जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया है, मेरी प्रशासन से ये गुजारिश है, उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। और दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, मेरा गांव माधो सिंघाणा बहुत बड़ा गांव है, और हिंदू मुस्लिम जो भी भाईचारा है, सिख ईसाई का जो भी भाईचारा है, बड़े भाईचारे के साथ हम रहते हैं। परंतु पिछले कई सालों से हमारे गांव में एक बड़ी समस्या है, दिल्ली से, लखनऊ से, बाहर से बहुत से लोग जमात के नाम पर, जकात के नाम पर मेरे गाँव में आते हैं, मौलवी साहब के पास रुकते हैं, और वो मुसलमान घरों में जाते हैं, उनकी दुकानों पर जाते हैं, और वो, मैं दावे के साथ कहता हूँ, वो उनको अच्छी शिक्षा नहीं देते, वो उनको गलत शिक्षा देते हैं। क्योंकि ये जो इतने देशभक्त मुसलमान हैं, इनको किसी बाहरी की शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे गांव में हमारे भाई की तरह रहते हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने इनके बुज़ुर्गों को पार्टीशन के टाइम अपने भाई मान के रखा था गाँव में, हमारे बुज़ुर्गों ने इनके बुज़ुर्गों को संदूकों में छुपा छुपा के रखा था पार्टीशन के टाइम में। ये जज्बा है माधो सिंघाणा गाँव का, पर वो जकात वाले जमात वाले जो हैं, वो इस्लाम के नाम पे इनको बरगलाते हैं और इनको हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ करते हैं। ये जो साजिश है जमात की है, ये मेरे गांव में, मैं गुजारिश करता हूँ कि प्रशासन है मेरे गांव में बिल्कुल सिरे से बंद करें। कोई जमात मेरे गांव माधो सिंघाणा में नहीं आनी चाहिए। मेरे गांव का मुसलमान, मेरे गाँव में मस्जिद है, बहुत शानदार मस्जिद है, नमाज पढ़े, गाँव पूरा सहयोग पूरा प्रेम के साथ रहेगा। पर ये बाहरी लोग जो आते हैं ना, अपनी ये जो गंदी पॉलिसियाँ हैं जो, वो इन पे ना थोपे और गांव में भाईचारा जो है खराब ना करें। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिन्होंने तिरंगे झंडे का अपमान किया उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, और अब मामला बिल्कुल शांत है, और रजाक साहब है इनको भी न्याय मिल चुका है। तो सभी साथियों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। भारत माता की जय। तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। बोले भाई, जोर से बोले यार, ऐसे तो बाहर आओ अपने आप की बात, ऐसे तो थोड़ी है। क्या SHO साहब हमारे टैक्स से सैलरी नहीं ले रहे हैं? वो देश का अंग नहीं है, अंदर आके मेरे अंदर रहने नहीं है। SHO साहब भारत का नागरिक नहीं है क्या? प्लीज होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्लीज होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ऐसे तो साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ऐसे तो साहब बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, ऐसे तो साहब बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, 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 तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हमें अभी इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, अभी इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हाँ जी, समस्या बताइए। जो इश्यू था जी, उसके बारे में आपने हमें, हम राष्ट्रीय नहीं है, बिल्कुल है जी, सिर्फ हम राष्ट्रभक्त नहीं है, हम इसमें नहीं चाहते। पहले मेरी सुन लो, हम राष्ट्रभक्त नहीं है, आप तो राष्ट्र सेवक भी हैं जी, हमसे ज्यादा बड़े सेवक हैं, और भगत भी, बिल्कुल है, ठीक है ना। हम किसी को राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाते, और जो लीगल कार्रवाई वो प्रोसीडिंग में चला रखी है, बिल्कुल एक्शन होगा, स्टिक होगा,
ठीक है जी। सर मैं चाहता हूँ कि भाई किसी छोटे मोटे इशू की वजह से, जो छोटा है बड़ा है कैसा भी है, उसकी वजह से राष्ट्र का नुकसान ना हो, किसी संप्रदाय का नुकसान ना हो, कोई सामाजिक भाईचारा को दिक्कत ना आए, ठीक है ना। हम भी राष्ट्र भक्त हैं, राष्ट्र के लिए मरने और मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन सर्वप्रथम हमारे को राष्ट्र की चिंता होनी चाहिए कि राष्ट्र के हित में क्या है, अहित में क्या है। आपकी राष्ट्रभक्ति पे कोई शक नहीं है किसी को, हम स्टिक एक्शन लेंगे, हम बिल्कुल स्टिक एक्शन लेंगे। हमारे राष्ट्रीय झंडे का अपमान हो रहा है वो उन पे हमें शक है कि वो राष्ट्रभक्त है या नहीं है। चलो आपकी राष्ट्रभक्ति नहीं है तो हम एक्शन ले रहे हैं। आप पब्लिक सर्वेंट के साथ साथ आप देश के नागरिक हैं, उन पे जो आप देश के नागरिक, हमारी आपसे यही अपील है, राष्ट्रभक्त है, आप शांति कायम रखें, ठीक है, और जाए जो भी स्टिक एक्शन वो बिल्कुल लूंगा मैं। और ये ऐसा नहीं है कि मेरे लेवल की बात है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि SHO लेवल की ही बात है, SHO तो सबसे नीचे की सीढ़ी पर, कोऑर्डिनेशन ऊपर से चलता सारा। हम मांग करते हैं, ठीक है, इनकी गहराई से जांच की जाए, बिल्कुल गहराई से करेंगे जी, हर प्रकार की करेंगे, और जो ऐसी बात मिली वो भी देखेंगे, हर एंगल से इन्वेस्टिगेट करेंगे, स्टिकली करेंगे, ठीक है ना। और मेरी आपसे बिल्कुल सौहार्दपूर्ण विनती है, आप जाइए प्लीज, हमारे को जो भी कानूनी प्रक्रिया वो कर लीजिए, इसकी सूचना हमें कैसे मिलेगी जी, क्या क्या हो रहा है, हम FIR की कॉपी देंगे जी कंप्लेनेंट को। अध्यक्ष जी, ठीक है, एक मिनट सर जी, जी। मैं शुरू से इस मामले को लेकर चला, उसके बाद में पुलिस के है ना, मेरा बड़ा मान उत्साहित था, संदीप जी ने तुरंत एक्शन लिया सारा काम है, लेकिन यहाँ आने के बाद ना हमें मान लो कुछ बताया नहीं गया, तो मैं कोई आपकी राष्ट्रभक्ति पे संशय नहीं है जी, बताइए, मैंने ये पूछना चाहा, क्या पूछना चाहते हैं, मैंने कहा मैं संगठन के मान लो, मैंने ये कहा आपको अंदर को कॉपी देंगे, क्या कॉपी है, वो बीच में अंदर बैठे रह जा रहे हैं, उनको कुछ नहीं कहा, और आप हमें धक्के मार के बाहर निकाल रहे हो। एक मिनट जी, हां जी, मैंने ये कहा ना कि सौहार्दपूर्ण परिवेश में बात करें, सौहार्दपूर्ण परिवेश में बात करें, और वही आपके लिए भी बेहतर, मेरे लिए भी बेहतर, और देश के लिए भी बेहतर है। आपकी जो कंप्लेंट थी वो कंप्लेंट शॉर्ट थी, राष्ट्रीय, ये मेरे को पता है, मैंने कानून पढ़ रखा है, नुकसान करना कौन सा देश के हित में काम है सर, ठीक है ना, ये मैंने पढ़ रखा है, देश के हित में नहीं है, देश के अहित में, ये तो माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है, माहौल खराब करने की साजिश, मैं जो एक्शन ले सकता हूं एक्शन ले रहा हूं, जमाती जो है वो जांच नहीं होती, इससे ज्यादा अगर आपको कोई भी बात करनी है कुछ अधिकारी बैठे हैं, उनसे मोबाइल पड़ते हैं, शिकायत करता भी रजाक मोहम्मद है, हां, और शिकायती जो शिकायत है वो भी एक संप्रदाय से, तो उसको कहते हैं भी ये देखो ये इसे मंद बुद्धि बता दिया गया, बताओ किसको, किसने बता दिया जी, उन्होंने जी, किसने, जो आए हुए थे सारे, मैंने क्या कहा है, मैं आपके प्रति कोई, मैंने क्या कहा है कि मैं एक्शन लूंगा और स्टिक लूंगा, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, ठीक है जी, बिल्कुल स्टिक एक्शन लूंगा, ठीक, मेरी आपसे फिर विनती है के देश संप्रदाय और सामाजिक सौहार्द को कायम रखें, हमारे में विश्वास और आपसे उम्मीद है आप विश्वास पर खड़े उतरे, बिल्कुल खड़े जी, हाँ जी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कार्रवाई, देखो 15 मिनट कोई किसी ने कुछ नहीं बोला, हमारे गेट पे रोक रहे हैं, जो शिकायत करता उसको नशेड़ी बता दिया गया, वो कहां से नशेड़ी है, 5 टाइम का नमाजी है वो, दो राष्ट्रवादी है सिरसा वाले, ये ऐसी गलत स्पोर्ट के कारण हमारे देश में अब्दुल कलाम और पैदा नहीं होते, आज उसकी स्पोर्ट नहीं करेंगे, ये सारे पहुंच गए फटाफट आ गए, इन्होंने तो वसीम रिजवी को भी कह दिया, वो पागल था क्या, वो सीएस उदाहरण दे रहे, तुम्हारे पंडित घुस जाए हमारे।